50 बरस का सुखदेव ओबराय मुंबई में सफल बिजनेसमैन माना जाता था। परिवार में 3 बच्चे और पत्नी थी। दौलत बहुत थी, सुख चैन था, परंतु 2-3 दिन से परेशान सा लग रहा था। आज तो कुछ ज़्यादा ही परेशान था। जब वो बेडरूम में पहुंचा तो पीछे पीछे उसकी पत्नी भी आ गई। आप इतने परेशान क्यों रहते हैं, वो बोली, क्यों इतनी भागदौड़ करते हैं। सुखदेव ओबराय ने अपनी पत्नी को देखा, फिर दबे व्याकुल स्वर में कह उठा, नहीं समझ पा रहा हूँ कि इन दिनों क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। हुआ क्या, कुछ तो बताइए, वो पास ही कुर्सी पर बैठती हुई कह उठी। बहुत बुरी खबर है, सूरज सिंह को कल किसी ने गोली मार दी, सुखदेव ओबराय बेचैनी से कह उठा। क्या, वो हकी बकी रह गई, कल गोली मार दी और आप मुझे अब बता रहे हैं। हाँ, लाश अभी भी पुलिस के कब्जे में है, पुलिस तफ्तीश कर रही है कि उसे क्यों गोली मारी गई। उसके साथ और भी कई आदमी थे जिन्हें गोली मार दी गई, पुलिस मामले को समझने की चेष्टा कर रही है। वो अपने पति के परेशान चेहरे को देखती रही। सुखदेव ओबराय ने आंखें बंद कर ली। बात क्या है, एकाएक वो गंभीर स्वर में बोली। सुखदेव ओबराय ने आंखें खोलकर उसे देखा, फिर धीमे से स्वर में बोला, सरला तुम तो जानती ही हो कि मैं और सूरज सिंह दूसरे देश के लिए काम करते हैं। सूरज सिंह तो मारा ही गया, हमारा आराम सुख चैन सब देश से गद्दारी करने के बदले मिला है। आप कहना क्या चाहते हैं, जो हमें ढेर सारी दौलत देते रहे हैं, जिन्हें देश की खास महत्वपूर्ण खबरें या फिर उनके कहे काम करते रहे हैं, वो हिंदुस्तान में है, मुंबई में है, अन्य देश वाले भी उनके साथ है। वो हिंदुस्तान के मशहूर डकैती मास्टर देवराज चौहान को खत्म करने आए हैं, उसी काम के लिए वो हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं कि कल सूरत से मारा गया, देवराज चौहान ने उसे खत्म कर दिया और आज मैं भी कठिनता से बचा हूँ। ओ, सरला चिंतित नजर आने लगी, आप ये काम छोड़ क्यों नहीं देते, किस चीज की कमी है। अपनी परछाई से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता, सुखदेव ओबराय दोनों हाथ मलते हुए बोला। सांप को गले में डालना तो आसान है, लेकिन उसे गले से निकालना बेहद असंभव काम है। इन लोगों से मैंने पीछा छुड़ाने की चेष्टा की तो ये मुझे मार देंगे। ठीक कहते हो, दरवाजे की तरफ से आवाज आई। सुखदेव ओबराय और सल्ला ने फौरन दरवाजे की तरफ देखा, वहां देवराज चौहान खड़ा था। तुम, सुखदेव ओबराय का चेहरा पीला पड़ गया, आंखें भय से फैल गई। कौन है ये, सल्ला उलझन में दिखी। देवराज चौहान के पीछे रुस्तम राव भी था, दोनों भीतर आ गए। हम भीतर कैसे आए, ये बात तुम्हें परेशान कर रही होगी, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। दोनों दरबान हमारे कब्जे में है, नौकरों को बांधकर एक कमरे में बंद कर दिया गया है, 2 आदमी उनके सिरों पर खड़े हैं, तुम्हारे 3 बच्चे एक कमरे में हमारे आदमियों के साथ हैं, न तो कोई भीतर आ सकता है और ना ही कोई बाहर जा सकता है। सुखदेव ओबराय अभी भी बुत्सा बना बैठा उसे देखे जा रहा था। सल्ला की आंखों में भी डर आ गया था। तुम ठीक कहते हो कि विदेशी एजेंट बनना तो आसान है, दौलत देखकर इंसान देश से गद्दारी करना तो शुरू कर देता है, परंतु अपना वजूद खो देता है, दूसरों की कठपुतली बन जाता है, यही हाल तुम्हारा हो चुका है। आगे बढ़कर देवराज चौहान सोफे पर बैठता हुआ कह उठा, तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, सिर्फ मौत का रास्ता खुला है। भक्सा चेहरा लिए सुखदेव ओबराय ने सूखे होठों पर जीभ फेरी, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ा सकता हूँ जहाँ तुम्हें चैन की जिंदगी मिल सकती है। रुस्तम राव एक तरफ सतर्क खड़ा था। कैसा रास्ता, जो मैं पूछूं उसका जवाब देते जाओ, रास्ता तुम्हें खुद ब खुद मिलता जाएगा। सुखदेव ओबराय भक्त चेहरे के साथ उसे देखता रहा। तुम किसके एजेंट हो,
देवराज चौहान ने पूछा, पाकिस्तान के या चीन के? वो देखता रहा देवराज चौहान को। आप जवाब क्यों नहीं देते? सल्ला ने व्याकुलता से कहा। गोली खाईला क्या? रुस्तम राव ने दंदगी भरी निगाहों से उसे देखा। हाथ में रिवाल्वर आ गई थी। सुखदेव ओबराय ने रुस्तम राव पर नजर मारी। आप इनकी बातों का जवाब क्यों नहीं दे देते? वो मुझे मार देंगे। सुखदेव ओबराय की आवाज में हल्का सा कंपन उभरा। सल्ला ने हाथ बढ़ाकर अपने पति की कलाई पकड़ ली। अगर तुम हमारा साथ देते हो तो हम तुम्हें बचा लेंगे, कठोर स्वर में कहा देवराज चौहान ने। तुम मुझे नहीं बचा सकते, वो बहुत खतरनाक। हम तुम्हें बचा लेंगे। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम मेरे हाथों ही मरोगे ओबराय। देवराज चौहान की आवाज में क्रूरता आ गई। फैसला कर लो कि इस वक्त तुम्हारी गर्दन हमारे हाथ में है। सुखदेव ओबराय के होंठ बिछ गए, आंखों में भय था। बताइला तो बचेला बाप। सूखे होठों पर जीभ फेरते सुखदेव ओबराय ने रुस्तम राव को देखा। बता दीजिए, सल्ला बोली, ये आपको बचा लेंगे। नहीं बताओगे तो हम तुम्हें अभी गोली मारकर चले जाएंगे। देवराज चौहान की आवाज में दरिंदगी थी। सुखदेव ओबराय का शरीर हिला। देवराज चौहान को देखकर टूटे स्वर में बोला, तुम मुझ तक कैसे पहुंचे? फालतू की बातें मत करो, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, वरना मैं सच कह रहा हूँ, वो लोग बहुत खतरनाक है। मुझे मार, रुस्तम। देवराज चौहान के होठों से दरिंदगी भरा स्वर निकला। रुस्तम राव रिवाल्वर थामे आगे बढ़ा और नाल सुखदेव ओबराय के सिर से लगा दी। वो तो तेरे को बाद में मारेला, अपन पहले ही तेरे को शूट करेला। नहीं, सल्ला घबरा कर कह उठी, इन्हें गोली मत मारिए। सुखदेव ओबराय ने पलभर के लिए आंखें बंद की, फिर सूखे होठों पर जीभ फेरते हुए आंखों को खोला। पाकिस्तान के लिए काम करता हूँ मैं, उसकी आवाज में कंपन था। शाही मोहम्मद से तेरा क्या वास्ता है? वो पाकिस्तान का खतरनाक एजेंट है, तुम्हारी मौत का मिशन लेकर हिंदुस्तान आया है। यहाँ आते ही उसने अपने खास खास एजेंटों को इकट्ठा किया कि तुम्हें खत्म करने में उसे हमारी सहायता मिल सके। मैं उसके अंडर काम करता हूँ। मेरे साथियों को कहाँ कैद कर रखा है? देवराज चौहान का स्वर सख्त था। मैं नहीं जानता। रुस्तम राव ने हल्के से नाल को उसके सिर पर ठकठकाया। सच बोला बाप? तुम सच नहीं बोल रहे, देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। मैं सच कह, मेरे पति झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये खामोश रहो। देवराज चौहान की सर्द निगाह सुखदेव ओबराय पर थी। तुम्हारी आंखें बता रही है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैं सच कह। रुस्तम, देवराज चौहान ने दरिंदगी से कहा, हमें अपने सवाल का जवाब कहीं और से मिल जाएगा। समझेला बाप, अभी से शूट करेला। नहीं, मुझे गोली मत मारना, सुखदेव ओबराय जल्दी से कांपते स्वर में कह उठा। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। सल्ला की आंखों में आंसू चमक उठे। देश से गद्दारी करने से पहले ये बात सोचनी चाहिए थी। देवराज चौहान ने सख्त निगाहों से सल्ला को देखा। विदेशी एजेंटों के साथ काम करते वक्त ही सोच लेना था कि जलती आग में हाथ दे दिया है, अब यह बच नहीं सकता। अभी भी मैं बहुत प्यार से कह रहा हूँ, मेरे सवालों का जवाब दे दो। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि आप बता क्यों नहीं देते कि इनके साथियों को कहां पर कैद कर रखा है? सल्ला ने सुखदेव ओबराय से कहा। सुखदेव ओबराय ने सूखे होठों पर जीभ फेरते हुए देवराज चौहान को देखा। जानने के बाद भी तुम उन्हें वहां से निकाल नहीं पाओगे, बताओ। पाकिस्तान के दूतावास से संबंधित अन्य इमारत है, जहाँ दूतावास के ही कार्य होते हैं। उस इमारत के बेसमेंट में कुछ कमरों को छोटी छोटी कोठरियों में बदल के रखा है, जहाँ बेहद खास कैदियों को रखा जाता है। सुखदेव ओबराय का चेहरा बता रहा था कि ये बताने में उसे परेशानी महसूस हो रही है। तुम्हारे साथी वही हैं। वहाँ से किसी को निकाल ले जाना या कोई वहाँ से निकल जाए, ये असंभव बात है।
वहां सुरक्षा इंतजाम ही ऐसे हैं। दूतावास से संबंधित इमारत कहाँ है? वर्ली में। तुम वहां गए हुए हो? शब्दों को चबाकर पूछा देवराज चौहान ने। कई बार उन कोठरियों तक भी गए हो? एक बार गया था। मतलब कि वहां तक का सारा रास्ता जानते हो? देवराज चौहान के चेहरे पर खतरनाक भाव आ गए थे। उसने होले से सहमति भाव से सिर हिलाया। देवराज चौहान के इशारे पर रुस्तम राव ने सुखदेव ओबराय के सिर से रिवॉल्वर हटा ली। वर्ली की उस इमारत का बाहरी और भीतरी नक्शा बताओ। हर वो रास्ता बताओ जो बेसमेंट में कोठरियों तक पहुंचता है। ये भी बताओ कि हम कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि वहां तक पहुंच पाना संभव नहीं है। इस बात का फैसला मुझे करने दो कि संभव क्या है और असंभव क्या। तुम्हारा काम वो बताना है जो मैं पूछ रहा हूँ। सुखदेव ओबराय देखता रहा देवराज चौहान को। अब क्या प्रॉब्लम होइला? मेरी बात का विश्वास करो, सच कह रहा हूँ, उन कोठरियों तक नहीं पहुँच। तेरी खोपड़ी फिरेला क्या? रुस्तम राव तीखे स्वर में कह उठा। तेरे को बताने वास्ते कहला, तू बताइला। अब बता क्यों नहीं देते? सल्ला कह उठी। मैं कब मना कर रहा हूँ? उसका स्वर बेहद धीमा था। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कस लिया। रुस्तम राव उसके सामने बैठ गया। वो मुझे मार देंगे। सुखदेव ओबराय बड़बड़ा उठा। हम बचाएंगे तेरे को। कैसे? तू हमारे साथ रहना। तुम लोगों के साथ? हाँ, जब तक ये मामला नहीं निपटता, हमारे साथ रहने में ही तुम्हारी सुरक्षा है, देवराज चौहान बोला। इस काम में हमारा साथ देगा तो देश से गद्दारी करने का बोझ कुछ तो तुम्हारी आत्मा पर से कम होगा। मेरे परिवार को भी खतरा है, मेरे बीवी बच्चे को मार। रुस्तम, इसके बीवी बच्चों को फौरन सुरक्षित ठिकाने पर भिजवा दो, देवराज चौहान ने कहा। बढ़िया बाप, सल्ला और सुखदेव ओबराय की परेशान नजरें मिली। हम अलग हो रहे हैं? सल्ला का स्वर भर्रा उठा। हाँ, इसी में हमारी भलाई है, सुखदेव ओबराय ने थके स्वर में कहा। मेरे कर्मों का फल है जो इस रूप में मेरे सामने आया है। मेरे बुरे काम कहीं तो मुझे फंसाएंगे। अपना ख्याल रखना, सल्ला की आंखों में आंसू चमक उठे थे। मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या होगा। बच्चे तुम्हारे पास हैं, वैसा तुम्हें पता ही है कि कहाँ है। मुझे कुछ हो जाए तो बच्चों को लेकर इस शहर से कहीं दूर चली जाना, वरना मेरे कर्म तुम पर भारी पड़ सकते हैं। ओबराय की आंखों में पानी चमक उठा। कष लेते हुए देवराज चौहान गंभीर स्वर में कह उठा। जिस तरह बुरे कर्म हिम्मत और जोश के साथ किए थे, देश से गद्दारी करते वक्त तुम खुश थे, अब उसी तरह देश के हक में काम करते वक्त अपने में हिम्मत और जोश का जज्बा कायम रखो। देश के हक में काम, सुखदेव ओबराय के होठों से निकला। हाँ, इस काम में तुम देश के हक में काम करोगे, देश के दुश्मनों के खिलाफ काम करोगे, जिनके हक में आज तक तुम काम करते रहे, जिनके साथ तुम चलते रहे, अब उन्हीं का निशाना लेना होगा तुम्हें। सुखदेव ओबराय ने होठ बीच लिए। कोई ऐतराज? देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। सुखदेव ओबराय देर तक देवराज चौहान को देखता रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, कोई ऐतराज नहीं। देवराज चौहान ने रुस्तम राव को इशारा किया। चलो सिस्टर, रुस्तम राव सल्ला से बोला। आंखों में आंसू लिए खड़ी हो गई थी सल्ला। अपना ध्यान रखिएगा। होठ बीचे सुखदेव ओबराय सिर हिलाकर रह गया। इन्हें और इनके बच्चों को अपने चार आदमियों के साथ यहाँ से भिजवा दो, देवराज चौहान ने कहा। तुम वापस आ जाना, तुम्हारे साथ जाने की जरूरत नहीं। रुस्तम राव सल्ला के साथ बाहर निकल गया। देवराज चौहान उठा और कष लेते हुए टहलने लगा। सुखदेव ओबराय रह रहकर व्याकुलता से पहलू बदल लेता था। 5 मिनट बाद रुस्तम राव वापस आया। ये क्या बोला बाप? अभी बात नहीं की, देवराज चौहान ने कहा। यहाँ पर हमारा ज्यादा देर टिकना ठीक नहीं। रुस्तम राव ने देवराज चौहान को देखा।
हम तीनों यहाँ से निकल रहे हैं, तुम्हारे आदमी यहीं पर रहेंगे, एक घंटे बाद वो भी यहाँ से चले जाएंगे, समझेला बाप? रास्ते में या पहले या फिर बाद में, देवराज चौहान की कठोर निगाह सुखदेव ओबराय पर जा टिकी। किसी भी मौके पर या किसी भी तरह की चालाकी दिखाने की कोशिश करे तो इसे उसी वक्त शूट कर देना। रुस्तम राव के कुछ भी कहने से पहले ही सुखदेव ओबराय सूखे स्वर में कह उठा, मैं किसी तरह की चालाकी नहीं दिखाऊंगा। वैसे भी मेरे पत्नी बच्चे तो तुम लोगों के पास है, तुम लोगों को कुछ न बताता तो जुदा बात थी, बता दे तो अब मेरे पीछे हटने की जगह नहीं बची। पहले तुम लोगों के करीब रहने में खतरा महसूस हो रहा था, और अब तुमसे दूर रहा तो वे लोग मुझे आसानी से मार देंगे। देवराज चौहान और रुस्तम राव सुखदेव ओबराय को साथ लिए सोहनलाल के कमरे में पहुंचे। इस बात का उन्होंने जरूरत से ज़्यादा ख्याल रखा कि कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा, लेकिन सब ठीक रहा, कोई भी पीछे नहीं था। रात के 12:30 बजे थे, तीनों सोफे पर बैठे, उससे पहले ही रुस्तम राव ने चाय बना ली थी। कंधे के जख्म की वजह से देवराज चौहान सोफे पर तकिया रखकर आराम की मृदा में अधलेटा सा पड़ा था। सुखदेव ओबराय बहुत हद तक खुद पर काबू पा चुका था, वो गंभीर और सोचों में डूबा नजर आ रहा था। चाय का घूंट भरकर दोनों को देखा कि देवराज चौहान से कहा, मेरी पत्नी और बच्चों को कहाँ रखा है? वे सुरक्षित जगह है। देवराज चौहान का स्वर शांत था, वे अवश्य सुरक्षित जगह पर होंगे, लेकिन मैं एक बार विश्वास कर लेना चाहता हूँ कि वे वास्तव में ठीक हैं। देवराज चौहान ने रुस्तम राव को देखा, अपन अभी इसको विश्वास कराइला बाप, कहने के साथ ही वो फोन की तरफ बढ़ गया। रुस्तम राव ने नंबर मिलाकर बात की। सुखदेव ओबराय व्याकुलता से रुस्तम राव को देख रहा था। देवराज चौहान सोफे पर अधलेटा चाय के घूंट भर रहा था। बाप इधर आ, रुस्तम राव ने कहा। सुखदेव ओबराय फौरन पास पहुंचा। अपनी बीबी से बात करेला, रुस्तम राव ने रिसीवर उसे थमा दिया। हेलो, सुखदेव ओबराय के होठों से कांपता स्वर निकला। सरला, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम्हारा हाल जानने के लिए फ़ोन करवाया था। तुम ठीक हो? आप मेरी फिक्र मत कीजिए, ये बहुत अच्छे लोग हैं, तीनों बच्चे भी मेरे पास हैं, एक टीवी देख रहा है, बाकी दो कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, यहाँ उन जैसे दो बच्चे और भी हैं। सुखदेव ओबराय के चेहरे पर राहत के भाव उभरे। फोन रखता हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। भारी मन से सुखदेव ओबराय ने रिसीवर रखा और वापस सोफे पर आ बैठा। चाय का प्याला खाली करके देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। रुस्तम राव भी करीब आ बैठा था। जब भी चाहो अपनी पत्नी और बच्चों से बात कर सकते हो, देवराज चौहान ने कहा। मैं सिर्फ अपनी तसल्ली करना चाहता था, सुखदेव ओबराय धीमे स्वर में बोला। तसल्ली होइला बाप, अब तुम शुरू होइला। सुखदेव ओबराय ने दोनों को देखा, फिर फर्श को देखते खुद को चुप्पी में समेट लिया। देवराज चौहान और रुस्तम राव की नज़रें ओबराय के चेहरे पर थी। पाकिस्तानी दूतावास का ही हिस्सा है वो 3 मंजिला इमारत, 500 गज के घेरे में बनी उस इमारत के पीछे का हिस्सा छोड़कर बाकी तीनों तरफ 15-15 फीट खाली जगह है। पीछे गली है, प्रवेश द्वार की तरफ सड़क है, जहाँ सुबह 5 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक वाहन आते जाते रहते हैं, व्यस्त सड़क है वो। ऐसे में उस इमारत में कोई गड़बड़ होती है तो बाहरी लोगों की नज़रों में तुरंत आ जाएगी। सुखदेव ओबराय चुप हुआ। कहाँ गड़बड़ आयला और किधर नहीं, वो देखना हमारा काम होइला, तुम आगे कहला। सुखदेव सिर हिलाकर पुनः कह उठा। इमारत के गेट पर 24 घंटे शिफ्टों में 2 गनमैन मौजूद रहते हैं। 2 गनमैन इमारत के प्रवेश द्वार पर रहते हैं। शाम को अंधेरा फैलते ही वहाँ तीव्र रोशनियाँ फैल जाती हैं। उधर रोशनियों को इस ढंग से लगाया गया है कि अंधेरे में चिड़िया भी उड़ती हुई आए तो नजर आ जाए। इसके अलावा सामने की 15 फीट फैली जगह में
जो कि लॉन जैसी है, जहां दो गनमैन रहते हैं। राउंड नहीं लेते, अपनी जगहों पर खड़े या बैठे ड्यूटी देते हैं। सामने का हिस्सा 70 फीट चौड़ा है। बाहरी गेट पर रहने वाले दोनों गनमैन, लॉन में मौजूद रहने वाले गनमैन या बाहरी मेन गेट पर तैनात रहने वाले गनमैन, जब चाहे आपस में एक दूसरे को देख सकते हैं। उनके पास वॉकी टॉकी मौजूद रहता है, जिससे वो आपस में और इमारत के एक कमरे में मौजूद सिक्योरिटी रूम में बात कर सकते हैं, कहकर ओब्राय खामोश हुआ। देवराज चौहान उस पर नजरें टिकाए कष्ट लेते हुए कह उठा, इमारत के अगल बगल जो 15-15 फीट जगह खाली है, उधर क्या है? उधर भी इमारत के भीतर जाने का रास्ता है। कुछ लोग प्रवेश द्वार से भीतर जाते हैं, तो कुछ कर्मचारी अगल बगल के रास्तों से भीतर जाते हैं। तीनों तरफ कारें खड़ी होती है, वहाँ 30 से 50 कर्मचारी काम करते हैं। सब हिंदुस्तानी कर्मचारी है? नहीं, उनमें सिर्फ 10 कर्मचारी ही हिंदुस्तान के हैं, जो कि 11 बजे वहाँ आते हैं और शाम 4 बजे उनकी छुट्टी का समय है। उनसे साधारण तरह के काम लिए जाते हैं। बाकी के सारे कर्मचारी पाकिस्तान के हैं, यहाँ तक कि वहाँ के गनमैन सिक्योरिटी गार्ड्स भी। हिंदुस्तान के 10 कर्मचारी जो कि वहाँ काम करते हैं, उन्हें इमारत के भीतर सिर्फ एक हॉल और बाथरूम तक जाने की इजाज़त है। इसके अलावा इमारत के किसी भी भीतरी हिस्से में वो नहीं जा सकते। इमारत के भीतर भी खास खास जगह पर सिक्योरिटी मौजूद है। सिक्योरिटी का इंतजाम तो पक्का तगड़ा हुई लाबाब। बाहर से जब भीतर प्रवेश किया जाए, देवराज चौहान बोला, तो बाहरी गेट पर गनमैन मिलेंगे और इमारत के प्रवेश द्वार पर गनमैन होंगे। यही कहा तुमने? इसके अलावा लॉन में दो और दो इमारत के दाएं बाएं 15 फीट खाली जगह पर मौजूद रहते हैं। हाँ, बाहरी गेट पर लकड़ी का मजबूत केबिन बना हुआ है, वहाँ से मुख्य द्वार या इमारत के दाएं बाएं रहने वालों से बात करने का पूरा इंतजाम है। केबिन में फोन और इंटरकॉम है, वो लोग भी बाहर वालों से बात कर सकते हैं। और चारों तरफ लोगों के अलार्म स्विच भी लगा हुआ है, जिसके दबाते ही खतरे का अलार्म बजने लगता है। और इमारत के भीतर संवेदनशील जगहों पर लगे सुर्ख बल्ब जलने बुझने लगते हैं। उन बल्बों को हरकत करते देखकर वे समझ जाते हैं कि बाहर खतरा है। मज़ा आईला सुन के। इसके अलावा और भी सिक्योरिटी के इंतजाम होंगे, देवराज चौहान ने कह लिया। हाँ, और भी कई इंतजाम है। भीतर प्रवेश करने वाले बेशक वो रोजमर्रा के ही कर्मचारी क्यों न हो, बाहरी गेट पर अपना परिचय पत्र दिखाना पड़ता है। फिर भीतर जहाँ से उसने प्रवेश पाना होता है, उधर हर प्रवेश द्वार पर फिंगरप्रिंट एक्सरे मशीन है। उस फिंगरप्रिंट मशीन की स्क्रीन पर उसे मात्र सेकंड के लिए अपने हाथ की दो उंगलियों के अगले हिस्से रखने पड़ते हैं। साथ ही उस मशीन से जुड़ी तारों वाले कीबोर्ड पर अपना नाम टाइप करना होता है। अगर उस नाम वाले के फिंगरप्रिंट सही है तो तुरंत ही बीप की आवाज़ के साथ स्क्रीन पर ओके आ जाता है। ऐसा न होने पर पास खड़े दोनों गनमैन उसे घेर कर भीतर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के पास ले जाते हैं। बहुत तगड़ा इंतजाम होइला, रुस्तम राव अपनी नाक खुजलाने लगा। इसके अलावा शाम ढलते ही इमारत की छत पर 4 गनमैन नज़र आने लगते हैं, जो कि चारों तरफ रात भर नज़र रखते हैं और दिन होने तक वहां रहते हैं। जरूरत पड़ने पर छत वाले गनमैनों की शिफ्टों में भी कर दी जाती है। कई बार आधी रात को ड्यूटी पर दूसरे गनमैन आ जाते हैं और पहले वाले को छुट्टी दे दी जाती है, सुखदेव ओबराय धीमे गंभीर स्वर में कह रहा था। तो ये ही सुरक्षा के इंतजाम, देवराज चौहान का स्वर सामान्य था। और भी हैं, सुखदेव ओबराय ने देवराज चौहान के चेहरे पर निगाह मारी। कहते रहो। इन सब इंतजामों के होते हुए भी कोई उस इमारत के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। कोई कोशिश करेगा तो 2-4 गोलियां चलते ही शोर शराबा पड़ जाएगा, क्योंकि वो इमारत भीड़भाड़ वाली जगह पर है।
इस पर भी हम ये सोचते हैं कि कोई भीतर प्रवेश कर गया है तो वो भी ज़्यादा देर खुला नहीं रह जाएगा। फौरन ही उसके भीतर मौजूद होने की जानकारी सबको मिल जाएगी। वो कैसे? पहली बात तो यह है कि भीतर का एक कमरा कंट्रोल रूम है, उसमें हर वक्त चीफ कंट्रोल ऑफिसर मौजूद रहता है। 3 चीफ कंट्रोल ऑफिसर हैं, उनकी ड्यूटी 8-8 घंटों की रहती है। ड्यूटी के वक्त 8 घंटों में चीफ कंट्रोल ऑफिसर उस कमरे से बाहर नहीं निकलता, वो भीतर रहकर ही बाहर मौजूद गनमैनों से संपर्क बनाए रखता है। टीवी सर्किट सिस्टम हर तरफ फैला है, नौबे घुमाता हुआ वो हर तरफ के दृश्य को देखता रहता है कि सब तरफ मामला ठीक है। इसके अलावा कई जगह ऐसी भी हैं जो उसके सर्किट से बाहर हैं। क्यों? जहां दूतावास के बड़े ऑफिसरों ने बेहद खास मुद्दे पर विचार विमर्श करना होता है, वे बात को गुप्त रखना चाहते हैं। उन जगहों पर टीवी सर्किट नहीं है, और तो और बेसमेंट में टीवी सर्किट का कनेक्शन जरा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल रूम ऊपर है, किसी खास मौके पर कभी भी कंट्रोल रूम की चेकिंग हो सकती है। बेसमेंट में बना वो गुप्त कैदखाना नजर आ सकता है। इत्तेफाक से या मौके का फायदा उठाकर कोई कंट्रोल रूम में आकर नोबो को छेड़ता हुआ कैदखाने की झलक पा सकता है, इसलिए टीवी सर्किट से बेसमेंट को मुक्त रखा गया है। वैसे बेसमेंट में काम होता है, स्टाफ वहां आता जाता रहता है। चूंकि कैदखाना बहुत ही समझदारी वाले ढंग से बनाया गया है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि वहां कैदखाना है, लोग उसके आगे पीछे से निकल जाते हैं। बीच में खाली जगह में छोटा सा कैदखाना है, ये कोई भी सोच नहीं सकता। ओ पण बाप, कैदी शोर डालेगा तो सबको उसकी आवाज सुनेला। कैदखाने का वो हिस्सा पूरी तरह साउंड प्रूफ है। रुस्तम राव गहरी सांस लेकर रह गया। तुम कह रहे हो कि कोई भीतर भी पहुंच जाए तो ज्यादा देर आजाद नहीं रह सकता? हाँ, इमारत के भीतर कई हिस्सों में आमतौर पर किसी के जाने की मनाही है, उस तरफ महत्वपूर्ण काम होते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के छोटे कर्मचारी उधर नहीं जा सकते, उधर का सिक्योरिटी सिस्टम फर्श के साथ जुड़ा हुआ है। अनजाने में वहाँ हाथ पांव रखते ही कंट्रोल रूम में सिग्नल मिलने लगेगा कि भीतर कोई आ गया है। इस हालात में भीतर आने वाले को तुरंत ही पकड़ लिया जाएगा। मतलब कि इमारत के खास हिस्सों में जो भी जाता है कंट्रोल रूम को खबर करके जाता है, नहीं जिसे वहां जाने की इजाज़त है वो जानते हैं कि फर्श से जुड़े सिक्योरिटी सिस्टम को कैसे कुछ पलों के लिए बंद करना है, अपनी जगह पर कैसे चलना है, वे सब जानते हैं। सुखदेव ओबराय ने कहा, बेसमेंट में जाने का रास्ता किधर से है? एक ही तरफ से बेसमेंट में आया जाया जा सकता है। वो रास्ता बताने के लिए मुझे कागज पर इमारत का भीतरी नक्शा बनाना और समझाना पड़ेगा, सुखदेव ओबराय ने कहा। रुस्तम राव ने फौरन कहीं से कागज पेन तलाश करके उसे थमा दिया। सुखदेव ओबराय ने इमारत के भीतर का बहुत ही अच्छे ढंग से नक्शा बनाया और बताने लगा कि बेसमेंट का रास्ता किधर से है और कैसे वहां जाया जा सकता है। जरूरत की हर जानकारी सुखदेव ओबराय से वे ले चुके थे। रात के 3 बज रहे थे। सुखदेव ओबराय थका थका सा नजर आने लगा था। तुम लोग जो भी करना चाहो बेशक करो, वो बोला, फिर भी एक राय देना चाहूंगा। देवराज चौहान और रुस्तम राव की नजरें सुखदेव ओबराय पर जा टिकी। कैसी राय? मैं नहीं समझता कि तुम लोग इन सब बाधाओं को पार करके अपने साथियों तक पहुंच जाओगे, उन्हें वहां से निकाल पाओगे। उससे पहले ही वहां की सिक्योरिटी वाले तुम दोनों को शूट कर देंगे, सुखदेव ओबराय ने व्याकुल स्वर में कहा। कहना क्या चाहते हो? अपने साथियों के वहां कैद होने के बारे में पुलिस को खबर कर दो, पुलिस आकर हर जगह की तलाशी। ये संभव नहीं, देवराज चौहान ने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा। वहां से उन लोगों का मिलना ठीक नहीं होगा, थापर मुंबई के उद्योगपतियों की श्रेणी में अपने पांव जमा चुका है, आज उसका अपना नाम है।
थापर और बाके के साथ सोहनलाल और जगमोहन का नाम जुड़ना ठीक नहीं। थापर के नाम को उनके नामों से न जोड़ा जाए तो भी मामला खतरनाक हो सकता है। जगमोहन और सोहनलाल को वहां से निकालकर पुलिस अपने कब्जे में ले लेगी। सोहनलाल तो शायद पुलिस के हाथों से बच भी जाए, परंतु जगमोहन को पुलिस नहीं छोड़ेगी। ठीक कहला, रुस्तम राव गंभीर स्वर में कह उठा। पुलिस को बीच में नहीं डालने का बाप। सुखदेव ओबराय देवराज चौहान को देखता रहा। वैसे भी मैं पुलिस के पास नहीं जा सकता, गुमनाम टेलीफोन पर पुलिस इतना बड़ा कदम उठाएगी नहीं। रुस्तम राव पुलिस के पास जाएगा तो फिर पहले वाली समस्या आ जाएगी। सुखदेव ओबराय ने याकुलता से पहलू बदला। कई पलों तक वहां चुप्पी रही। रुस्तम राव ने खामोशी को गंभीर स्वर में तोड़ा। अब क्या करेला बाप? देवराज चौहान होंठ सिकोड़े रुस्तम राव को देखने लगा। मुझे जोरों की नींद आ रही है, सुखदेव ओबराय थके सुस्त स्वर में कह उठा। बेड पर सो जाओ, देवराज चौहान ने कहा। आंख खुलने पर यहां से निकलने की कोशिश मत करना। तुम लोगों का साथ छोड़ने की गलती मैं नहीं कर सकता, जानता हूं। जब तक तुम लोगों के साथ हूँ तभी तक कुछ हद तक मेरी सुरक्षा है, सुखदेव ओबराय के स्वर में हल्का सा कंपन उभरा। वो उठा और आगे बढ़कर बेड पर जा बैठा। जूते उतारे और थके अंदाज पर बेड पर लेटते हुए दोनों को देखा। मेरी पत्नी बच्चे ठीक हैं, इस वक्त बात करके काय को उनकी नींद खराब करेला। सुबह गुड मॉर्निंग कर लेना बाप। सुखदेव ओबराय ने आंखें बंद कर ली। देवराज चौहान ने कश लेकर सिगरेट एस्ट्रे में डाल दी। क्या सोचेला बाप? पूछा रुस्तम राव ने। ये मामला मुझे बहुत गंभीर लग रहा है, देवराज चौहान की निगाह रुस्तम राव के चेहरे पर जा टिकी। जगमोहन, थापर, सोहनलाल और बाकी को वहां से निकालना है, परंतु 24 घंटे वहां सिक्योरिटी का पहरा रहता है, सख्ती से हर तरफ नजर रखी जाती है, वीडियो कैमरे हैं, तो कहीं फर्श पर पांव रखते ही खतरे का सायरन बजता है कंट्रोल रूम में। ओबराय ठीक कहता है कि उधर का रुख करना खुद को भारी खतरे में डालने वाली बात है। रुस्तम राव का मासूम चेहरा कठोर होने लगा। एक बड़ी दिक्कत और भी है हमारे सामने, देवराज चौहान के होठों पर कठोर सी मुस्कान उभरी। क्या? मुझे जगमोहन और सोहनलाल पर भरोसा है, वो शाही और लियू की कैद में हैं। ऐसे किसी काम को अंजाम देना हो तो बेहद खास साथियों की जरूरत होती है, जो सिर्फ काम पूरा करने की तरफ ध्यान दें। उनका मकसद काम करना हो, पूरा करना हो। ऐसे लोग किराए पर भी, पैसे के दम पर भी नहीं मिलते, एक हद से ज़्यादा खतरा नहीं उठाते। बाप, अपुन तेरे साथ 100% होइला। सिर्फ तुम्हारे होने से काम नहीं चलेगा, देवराज चौहान के होठों पर वही शांत मुस्कान थी। रुस्तम राव की निगाह बेड पर नींद में डूबे सुखदेव ओबराय पर गई। ये भी तो अपुन के साथ होएगा, साथ तो जरूर देगा, लेकिन काम पूरा होने से ज़्यादा खुद को बचा रखने का जज्बा ज़्यादा होगा, ऐसे में काम के दौरान कभी भी पीछे हट सकता है, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। वैसे भी सिर्फ 3 लोग इतनी तगड़ी सिक्योरिटी को काटकर सफलता नहीं पा सकते। बंदे अपने पास होइला बाप, देवराज चौहान ने रुस्तम राव की आंखों में देखा। क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम्हारे आदमी जान देने की हद तक जा सकते हैं? रुस्तम राव ने होठ पीट लिए, कहा कुछ नहीं। इस हद तक अपुन अपने आदमियों की गारंटी नहीं ले लेला बाप, रुस्तम राव का स्वर गंभीर था। देवराज चौहान ने बेड पर सोए सुखदेव ओबराय पर निगाह मारी। पण बाप, जगमोहन नहीं होइला, सोहनलाल नहीं होला तो क्या कोई भी नहीं होइला? काम तो होइला बाप, रुस्तम राव ने गंभीर स्वर में कहा। अपुन के साथी उधर फंसेला। हाँ, देवराज चौहान ने दृढ़ता से सिर हिलाया। काम तो पक्का होगा, उनके सारे इंतजामों को काटना होगा, अपने साथियों को बाहर लाना होगा। जब तक हम अपने साथियों को आज़ाद नहीं कराएंगे,
तब तक खुलकर शाही और लियू का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। अपना गला फंसता पाकर वो कभी भी हमारे साथियों की आड़ ले लेंगे। ये बात तो परफेक्ट कहेला, पर ये काम कैसे होइला? सोचना पड़ेगा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। कुछ घंटे की नींद ले ली जाए तो ठीक रहेगा, सोचने का भी मौका मिल जाएगा और आराम भी मिल जाएगा। ब्रेकफास्ट करते हुए शाही मोहम्मद ने गंभीर स्वर में कहा, लियू, देवराज चौहान के बारे में हम कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। हम कर रहे हैं। क्या किया अभी तक? शाही मोहम्मद का स्वर तीखा हो गया। देवराज चौहान के चार खास साथियों पर कब्जा किया, वो हमारी कैद में है। लियू ने शाही मोहम्मद को देखा, दो जगह देवराज चौहान को घेरा, लेकिन वो मुकाबला करके हमारे आदमियों को शूट करके बचकर निकल गया। गलती उन आदमियों की नहीं थी जिन्होंने देवराज चौहान को घेरा था, बल्कि देवराज चौहान हमारे आदमियों की आशा से हर बार ज़्यादा चालाक निकला, फुर्तीला निकला। कोई बात नहीं, हमारा काम ही ऐसा है कि जिंदगी मौत और हार जीत का खेल चलता रहता है, लेकिन इस बार देवराज चौहान के जहाँ भी होने की खबर मिलेगी, हमारे आदमी फौरन हमें खबर देंगे और हमारे वहाँ पहुँचने तक उन्हें घेर कर रखेंगे। शाही मोहम्मद ने चेहरा उठाकर लियू को देखा। हमारा इस देश में खुले में आना ठीक रहेगा, किसी ने हमें पहचान लिया तो। शाही, हम यहाँ अपना मिशन पूरा करने आए हैं, देवराज चौहान को ख़त्म करने आए हैं, लियू ने गंभीर स्वर में कहते हुए उसे देखा। हर बार आदमियों पर भरोसा नहीं किया जाता, वैसे भी सामने देवराज चौहान जैसी शख्सियत हो तो खुद को मैदान में लाने में कोई हर्ज नहीं। इंतज़ार करो कि कब हमें इस बात की खबर मिलती है कि देवराज चौहान को वहाँ घेरा जा रहा है, तब हमें फौरन वहाँ पहुँचना होगा, देवराज चौहान को ख़त्म करने के लिए, अपना मिशन पूरा करने के लिए। मिशन डकैती मास्टर, धाम बीचे शाही मोहम्मद बड़बड़ा उठा। अगले दिन 11 बज रहे थे। देवराज चौहान, रुस्तम राव और सुखदेव ओबराय नहा धो चुके थे। सोहनलाल के किचन और फ्रिज में मौजूद सामान से काम चलाओ ब्रेकफास्ट भी कर चुके थे। रुस्तम राव ने सुखदेव ओबराय की उसकी पत्नी और बच्चों से फोन पर बात भी करा दी थी। इस वक्त देवराज चौहान कुर्सी पर आंखें बंद किए सिगरेट के कश ले रहा था। कुछ करेला बाप, रुस्तम राव ने कहा, अपन लोग को दो काम करने का है। शाही लियू का पता ठिकाना मालूम करके उसकी गर्दन पकड़ेला और दूसरा अपने साथियों को छुड़ाईला। अपन लोग को दो काम करने का है। शाही लियू का पता ठिकाना मालूम करके उनकी गर्दन पकड़ेला और दूसरा अपने साथियों को छुड़ाईला। देवराज चौहान ने आंखें खोली, नजरें रुस्तम राव पर जा टिकी। ये मामला जहाँ से शुरू हुआ था वहीं से फिर शुरुआत करनी होगी। देवराज चौहान का स्वर सपाट था। समझेला नहीं बाप, रुस्तम राव की आंखें सुकड़ी। देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ, मैं अभी आता हूँ, बाहर जाइला। हाँ, लेकिन बाहर तेरे को खतरा हुईला बाप, शाही लियू के आदमियों की नज़र तेरे पे पड़ेला और ये खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। मुंबई के बाहर फोन करना है, फोन इधर होइला। सोहनलाल के फोन में एसटीडी नहीं है, मैं एसटीडी से फोन करके आता हूँ। मुंबई के बाहर किसको फोन करेला बाप? देवराज चौहान ने सुखदेव ओबराय पर नजर मारी, फिर कहा, इस बारे में आकर बताऊंगा। इसके साथ ही देवराज चौहान दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। रुस्तम राव ने आगे बढ़कर दरवाजा बंद किया, चेहरे पर गंभीरता थी। देवराज चौहान ने एसटीडी के बॉक्स से नंबर मिलाया, शीशे के उस बॉक्स से आवाज़ बाहर नहीं जा सकती थी। बूथ वाला वहाँ से बैठा नजर आ रहा था। हेलो, नंबर मिलते ही उधर से आवाज़ कानों में पड़ी। नमस्कार, देवराज चौहान बेहद सामान्य स्वर में कह उठा, कैप्टन शुक्ला से बात कराइए। क्या, किससे बात करनी है? ये कश्मीर में मिलिट्री वालों का ऑफिस है ना भाई साहब? जी हाँ, तो हम कैप्टन शुक्ला से बात करना चाहते हैं।
बचपन में शुक्ला के साथ ही पढ़ा करते थे, देवराज चौहान शांत स्वर में कहता जा रहा था। 6 महीने पहले हम उससे मिले थे तो उसने ये नंबर दिया था। सर, यहाँ तो कई कैप्टन शुक्ला हैं और हम वही कैप्टन शुक्ला की बात कर रहे हैं जिनकी बेटी का 6 महीने पहले अपहरण हो गया था, शेफाली बेटी का। तब अखबार में आया था कि देवराज चौहान जैसे डकैती मास्टर ने उसको अपहरण कर दिया है। समझ गया सर, उस कैप्टन शुक्ला को तो कश्मीर में दूसरी जगह भेज दिया गया है, 2 महीने हो गए। कश्मीर में किधर, हमें वहाँ का फ़ोन नंबर दीजिए। उधर से नया फ़ोन नंबर दिया गया। फ़ोन नंबर नोट करके देवराज चौहान ने धन्यवाद देखकर रिसीवर रख दिया। देवराज चौहान ने नया नंबर मिलाया। हेलो, दूसरी तरफ से तुरंत रिसीवर उठाया गया। कैप्टन शुक्ला से बात करनी है। आप कौन हैं? मैं उनका रिश्तेदार हूँ, बनारस से बोल रहा हूँ। पुराने नंबर पर फ़ोन किया तो मालूम हुआ कि वो 2 महीने पहले वहाँ से यहाँ आ गए हैं। देवराज चौहान का लहजा बेहद सरल था। होल्ड कीजिए। उसके बाद लाइन पर 1.5 मिनट की खामोशी छाई रही। हेलो, देवराज चौहान के कानों में कैप्टन शुक्ला की आवाज़ पड़ी। शुक्ला? कौन? ओ देव, तुम हो। देवराज चौहान के कानों में कैप्टन शुक्ला का हैरानी और खुशी से भरा स्वर पड़ा। हाँ, तुम्हारी आवाज़ सुनकर बहुत अच्छा लगा। कितनी शांति मिल रही है मुझे। मैं तो सोचता था कि अब कभी तुमसे मिल नहीं पाऊँगा। शेफाली बेटी भी तुम्हें याद करती है। कश्मीर आ रहे हो क्या? देवराज चौहान के होठों पर शांत सी मुस्कान उभरी। नहीं, उधर आने का मेरा कोई प्रोग्राम नहीं। ओ, आ जाते तो अच्छा लगता मुझे भी, शेफाली बेटी को भी। नहीं आ पाऊँगा, अभी व्यस्त हूँ। कैप्टन शुक्ला की तरफ से कुछ पलों तक आवाज़ नहीं आई। देवराज चौहान भी खामोश रहा। तुमने बिना वजह तो फ़ोन किया नहीं होगा, शुक्ला का स्वर कानों में पड़ा। ठीक कहा? मुझसे कुछ काम है, कैप्टन शुक्ला की आवाज़ में गंभीरता उभरी। हाँ, क्या? बोलो, बताओ। उसी मामले में उलझ गया हूँ जिसकी शुरुआत 6 महीने पहले कश्मीर में हुई थी। क्या मतलब? कैप्टन शुक्ला के स्वर में चौंकने के भाव आए। सलमा और शिखा भाटिया वाला मामला? लेकिन वो मामला तो निपट गया था, कैप्टन शुक्ला का अजीब सा स्वर कानों में पड़ा। हाँ, मामला निपट गया था, लेकिन उस मामले की परछाइयाँ अभी भी मेरे पीछे हैं। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी। मैं समझा नहीं, तुम स्पष्ट कहो। पाकिस्तानी जासूस शाही मोहम्मद और चीनी जासूस लियू, देवराज चौहान ने पहले वाले स्वर में कहा। ये दोनों अपने अपने देश से एक साथ होकर मिशन लेकर हिंदुस्तान आए हैं। मिशन डकैती मास्टर, यानी कि मेरी मौत।